नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर हमारे मोटिवेशनल चैनल शिखर प्रजापति पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को राखी के हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, राखी के इस पावन पर्व पर पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में राखी का सेलिब्रेशन हो रहा है। लोग दुनिया भर में राखी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं दोस्तों, और भाई जिंदगी भर बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देते हैं। फ्रेंड्स, आज इस राखी के पावन पर्व पर मैं आपसे कुछ प्यार भरी बातें शेयर करना चाहूंगा, जिससे भाई और बहन के रिश्ते में और ज्यादा मिठास आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने भाइयों और बहनों के साथ और अच्छे रिलेशंस डेवलप करने हैं, तो सबसे पहली बात है दैट यू शुड बी एग्रीएबल। फ्रेंड्स, रुचिकर बनिए। अगर आपकी सिस्टर आपसे कोई बात कह रही है, अगर आपका कोई भाई आपसे बात कुछ कह रहा है और आप उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, वो अपने इंटरेस्ट की कुछ बात कर रहा है लेकिन आप उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे, फ्रेंड्स आपसे 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा वो बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बनिए कि लोग आपसे अपनी बात शेयर करना चाहें, ध्यानपूर्वक उनकी बात सुने, इंटरेस्ट लें अपने भाई और बहनों की बातों में, तो आपसे अपनी और ज्यादा बातें शेयर करेंगे, हर बात आपसे शेयर करना पसंद करेंगे अगर आप अच्छी तरह उनकी बात को सुनना पसंद करेंगे। सो बी एग्रीएबल। फ्रेंड्स, दूसरी बात है बी एक्सेप्टेबल। फ्रेंड्स, दुनिया के हर इंसान में, हर ब्रदर में और हर सिस्टर में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज हैं और हो सकता है कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी हो। फ्रेंड्स, आप किसी के ब्रदर हैं, आप किसी के सिस्टर हैं, तो फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव क्वालिटीज पर फोकस करना है। फ्रेंड्स, उनको मोटिवेट करना है अपने ब्रदर सिस्टर्स को कि आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज पे फोकस करो, नेगेटिव क्वालिटीज को फोकस मत करो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। उनको लगातार मोटिवेट करते रहे उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमेशा अपने भाइयों और बहनों के साथ जब भी आप मिल रहे हैं, फ्रेंड्स यू शुड बी हैविंग अ वेरी 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 नाइस स्माइल ऑन योर फेस। फ्रेंड्स, हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने भाइयों और बहनों से मिलें, उनको मजा आ जाएगा फ्रेंड्स मिलने में। और जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके भाई या बहन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी। फ्रेंड्स, आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को हमेशा फॉलो करें। फ्रेंड्स, हमेशा थैंकफुल रहें अपने ब्रदर के लिए, अपने सिस्टर के लिए, जिन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए बचपन से लेकर आज तक कितनी बार मम्मी पापा की डांट खाई होगी, कितनी बार आपको सपोर्ट करा होगा, ना जाने कहां कहां सपोर्ट करा होगा, ये सिर्फ आप जानते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा थैंकफुल रहिए अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनको हर बात पे थैंक यू बोलिए। फ्रेंड्स, उनको अच्छा फील होगा अगर आज उन्होंने कुछ काम करा, चाहे छोटा करा चाहे बड़ा करा, और अगर आपने अपने भाई को या बहन को थैंक यू बोला है, तो फ्रेंड्स उससे ये इफेक्ट होगा कि अगली बार वो और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि थैंक यू मिलेगा और दिल से मिलेगा और वो आपसे मिलेगा। फ्रेंड्स, अपने भाई की और अपनी बहन की हमेशा 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 तारीफ करते रहे, प्रेज करते रहे। फ्रेंड्स, प्रेज करने के लिए और तारीफ करने के लिए आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। हो सकता है आज आपकी सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हो, आज न्यू हेयर स्टाइल लेकर आए हो, आज एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए हो, आज जॉब में अच्छा प्रमोशन हो गया हो, आज सैलरी इंक्रीजमेंट हो गया हो। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी जिसकी तारीफ आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की तारीफ करें, सच्चे दिल से तारीफ करें, उनके चेहरे पर खुशियां लाते रहे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे रिलेशंस बनाने हैं अपनी सिस्टर से, ब्रदर से, तो फ्रेंड्स लास्ट में आपसे एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, यू शुड बी अ गुड लिसनर।
फ्रेंड्स, एक अच्छे लिसनर बनिए, एक अच्छे श्रोता बनिए, एक अच्छे सुनने वाले बनिए आप। फ्रेंड्स, आपकी सिस्टर आपसे कुछ बात करने आई है, कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी आई है, कुछ बात कहने आई है, लेकिन आप अखबार पढ़ रहे, आप अपने मोबाइल में बिजी हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं। सिस्टर आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती है लेकिन आपका माइंड वहां है ही नहीं। आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली आप प्रेजेंट नहीं। फ्रेंड्स, अगर सिस्टर के साथ हैं, ब्रदर के साथ हैं, तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी वहां आपका होना जरूरी है। फ्रेंड्स, एक अच्छे लिसनर बने, ध्यानपूर्वक बात सुने। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सिस्टर की, अपने ब्रदर की बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे, तो फ्रेंड्स वो आपके साथ और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर बात करेंगे, आपके रिलेशंस और अच्छे डेवलप होंगे। फ्रेंड्स, इस राखी के पर्व पर मेरी आपसे ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशंस, भाई और बहनी के रिलेशंस में और ज्यादा हैप्पीनेस लगातार आती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही फ्रेंड्स शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आपको इसी तरीके मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं।